देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्मांतरण और सांप्रदायिकता का माहौल छत्तीसगढ़ में बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में बुरी तरह मात खाए। और तो और, रमन सिंह अपने वार्ड में बुरी तरह हार गए, विजय बघेल जी अपने अपने गांव में बुरी तरह हार गए। अपने गांव अपने वार्ड नहीं बचा पा रहे हैं, तो उनको समझ जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता और धर्मांतरण के मुद्दे पे आप जहर नहीं घोल सकते। दूसरी बात यह है कि ये अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक भी बयान नहीं आया है गांधी जी राष्ट्रपिता के बारे में, इतनी बड़ी बयान उसके द्वारा दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन है। ये धरती शांति का है, प्रेम का है, भाईचारा का है। ये गुरु घासीदास की धरती है, कबीर की धरती है, और यहाँ इस प्रकार से उत्तेजक बातें या हिंसात्मक बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती। और राष्ट्रपिता के बारे में इस प्रकार के बातें कही जाना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। और धर्ममंच है, और उसमें महंत राम सुंदर दास जी ने जो कदम उठाए बिल्कुल स्वागत योग्य है। और ये धर्ममंच है, सनातन धर्म की बात है, तो सनातन धर्म इस प्रकार से किसी इस प्रकार से बात कही जाना है तो स्वीकार्य नहीं है। और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और शासन जितने भी कड़क कदम उठाए जा सकते हैं उठाएंगे। गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, क्या गिरफ्तारी होगी? क्यों नहीं होगी, विधि सम्मत कार्रवाई होगी, चाहे व्यक्ति क्यों कोई भी हो। यदि इस प्रकार से बातें करेंगे, समाज में उत्तेजना फैलाने की कोशिश करेंगे, यदि समाज में जहर घोलने की कोशिश करेंगे, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको नहीं लगता कि आयोजन में आयोजकों से चूक हुई है आइडेंटिफाई करने में कि इस तरह का माहौल बन सकता है, जबकि हरिद्वार में इस तरह का मामला सामने आ चुका है? अब उसे चूंकि वो सारे प्रकरण, अब चूंकि FIR दर्ज हो गया, पुलिस इस सारे प्रकरण को देख रही है, जो तथ्य सामने आएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, आप लोगों ने 105 लाख मैट्रिक टन